किसी भी देश की किसी भी संसद का काम क्या होता है? जाहिर सी बात है कि वो जिस लोक के द्वारा चुनी जाती है उस लोकतंत्र को बनाए बचाए रखना। एक संसद जिसमें एक लड़की स्वास्थ्य मंत्री है, उसे चिंता है महिलाओं के बच्चियों के हाइजीन की, उसे चिंता है कि जो सैनिटरी पैड बनाए जा रहे हैं वो बहुत कम पहुँच रहे हैं जो अंतिम यूज़र हैं, एंड यूज़र है वहाँ तक, बच्चियों तक, और जो पहुँच रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि पर्यावरण के लिए वो उतने हितकारी नहीं है। लेकिन जब वो बच्ची प्रपोज करती है, जब वो स्वास्थ्य मंत्री प्रपोज करती है, तो फिर उसकी मशीन लगाई जाती है। लेकिन ये संसद वो संसद नहीं है जिसके बारे में हम आप रोज देखते पढ़ते या सुनते हैं। ये संसद राजस्थान के शहर अजमेर के एक छोटे से गाँव में, जहां तक सड़क भी बमुश्किल पहुंच पाती है, उस गाँव में बनाई गई संसद है, जहां पर कि किसी को प्रधानमंत्री बनाया गया, किसी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, इस तरह से। लेकिन और वो गांव के ही लोग थे जिन्हें ये मंत्रालय दिए गए। इसी मंत्रालय को दिए जाने के बाद एक लड़की जो स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, उसने कहा कि सैनिटरी पैड की दिक्कत बहुत ज्यादा है, बच्चियों तक सैनिटरी पैड नहीं पहुंच पाते, जो पहुंचते हैं वो पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद आप जो ये जगह देख रहे हैं, ये वो कारखाना है जहां पे अब 90% के आसपास तक बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड बनते हैं। ये यहां पे आप देख रहे हैं साथण नाम का ये ब्रांड है, साथण नाम के ब्रांड पे ये पैड बनने यहां पे शुरू हुए। ये यहां पे शुरू करने के लिए कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? तारा मेरम। तारा जी, ये बताइए कि हम जब अभी आपसे बात कर रहे थे तो आपने बताया कि उस समय स्वास्थ्य मंत्री जो लड़की थी उसने कहा कि बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, और अब आप लोग शायद इकलौते ऐसे पैड बनाने वाले हैं, सैनिटरी पैड, जो कि बायोडिग्रेडेबल बनाते हैं। कैसे शुरुआत हुई इसकी? हमने जुलाई 2010 से ये प्रोडक्शन शुरू किया था। उस समय हमने शुरू किया था, उस समय क्या हुआ कि हमने 2 साल महिलाओं को फ्री वितरण किया, क्योंकि उनको अवेयरनेस में करना था महिलाओं को। तो हम महिलाओं के पास जैसे जैसे पहुंचते थे महिलाएं इकट्ठी हो जाती थी, लेकिन जब हम माहवारी का और सैनिटरी नेपकिन दोनों के बारे में बात करते थे तो लड़कियाँ भी भग जाती थी, महिलाएँ भी भग जाती थी। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं एक विकलांग महिला हूँ, लेकिन मेरे लिए गाँव के लोग बोलते थे कि ये विकलांग लड़की है, क्या करेगी, ये कुछ नहीं करने वाली है, झूठ में महिलाओं को इकट्ठा कर लेती है, और महिलाओं को वो आने भी नहीं देते थे। लेकिन मैं सुनी अनसुनी कर देती थी, इस कान से सुनती थी इस कान से निकाल देती थी। मैंने सोचा कि मैं कुछ न कुछ इस गांव में करके दिखाऊंगी। फिर हमने महिलाओं को देना शुरू किया तो महिलाओं ने बोला कि हम कहाँ डालेंगे, क्या करेंगे। तो हमने महिलाओं को बोला कि इसको हम आपको डिस्पोज का तरीका भी बताएंगे। लेकिन हमने महिलाओं को 2 साल फ्री वितरण किया और महिलाओं को डिस्पोज के लिए बताया कि जो नया मटका होता पानी पीने के काम में आता है, पुराना होने के बाद में उस मटके को ऐसी जगह रखो जहां पर गाय, कुत्ते और बच्चे ना छुए, और उसके ऊपर मुंह पर भारी पत्थर रख दो और साइडों में छोटे छोटे होल कर दो, छेद पर जो भी आपने यूज किया नेपकिन या तो न्यूज़पेपर में लपेटो या ऐसे ही डाल के मटके में वापस पत्थर लगा दो। जहाँ से होल की हुई से अंदर हवा जाएगी वहाँ से, और वो सूख जाएंगे, उसके बाद में उसमें जला के उस राख को मिट्टी में खड्डा खोद के गाड़ दो। लेकिन वो थोड़ा हमारा जो पैडमैन मूवी वाला थोड़ा प्लास्टिक में था, तो हम सोच रहे थे कि ये बायो प्लास्टिक हम ढूंढेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये वातावरण के लिए थोड़ा हानि हो रहा है। फिर हमने 2-3 जगह जाके और पहले महिलाओं से मीटिंग किया कि अभी आपको 6 नेपकिन हम 12 रुपये में दे रहे हैं और वही 6 नेपकिन आपको 20 रुपये में देंगे, क्या आप लेने को तैयार हो? तो महिलाओं ने बोला हाँ, हमें विस्पर और स्टेपरी वाले जैसे हमें नेपकिन चाहिए। तो वैसे नेपकिन अभी हमने दिसंबर 2018 से शुरू किया, ये 90% बायोडिग्रेडेबल है। और हम महिलाओं को 2 साल बाद में 2 रुपये में शुरू किया, तो महिलाओं ने बोला पहले आप फ्री दे रहे थे, अभी 2 रुपये लेना शुरू कर दिया। तो हमने महिलाओं को बताया कि आपका पति पर डे 100-150 रुपये खर्च करता है दारू, बीड़ी, सिगरेट में। तो महिलाओं ने बोला हाँ क्यों नहीं लेंगे, हम पक्का लेंगे, ऐसे कहते हुए महिलाओं ने लेना शुरू कर दिया। लेकिन इतने मुश्किल से महिलाओं और लड़कियों को हमने जागरूक और मोटिवेट किया कि अभी वो लड़कियाँ और महिलाएँ हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हमारे वो आदमी है,
तो हमने महिलाओं को और लड़कियों को इतने ताकत दिलवा दिया कि वो लड़के से जाके बोलेगी भैया मुझे नेपकिन चाहिए, तो वो बोलेगा कि कितना पैकेट चाहिए, कि 2 या 3, वो तुरंत उससे लेके आ जाएगी। वो शर्म इतना खुल गई लड़कियों की। और बड़ी ज़रूरत यही होती है कि आमतौर पर जिस जगह पर हम खड़े हैं, हो सकता है ये वीडियो आप किसी मेट्रो सिटी में बड़े शहर में बैठ के देख रहे हों, लेकिन जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, जब मैं कहता हूँ कि सड़क भी बमुश्किल यहाँ पहुँचती है, तो इसका अर्थ ये समझिए कि यहाँ पर सड़क के साथ ही सभ्यताएँ, शिक्षाएँ और अवेयरनेस बमुश्किल पहुँचती है। जब आप किसी से माहवारी की बात करते हैं वो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में एक महिला को माहवारी के लिए समझाना, उसके हाइजीन के लिए समझाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए ये वाकई में दिक्कतों का करना पड़ा होगा। लेकिन फिर हमने जब महिलाओं को ये देना शुरू किया तो अभी सभी महिलाएं ले रही है, और जहाँ पर अगर गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है लड़कियों को, लेकिन हम वहाँ पर जाकर लड़कियों को अवेयरनेस करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अवेयरनेस नहीं कर रही है कि कितने घंटे आपको लेना है, कैसे लेना है, कैसे डिस्पोज करना है। तो लड़कियाँ बोल रही है कि सरकार सप्लाई करती है लेकिन अवेयरनेस नहीं करती है। तो वहाँ पर हम जाते हैं, जैसे वहाँ पर लेडीज टीचर है तो वो थोड़े टाइम के लिए हमें बताने देती है, अगर जेंट्स टीचर है तो वो बोलता है कि लड़कियों को 2-3 घंटे के लिए आप अवेयरनेस करो, क्योंकि हमारे स्कूल में थोड़ा परिवर्तन आए। हम दूसरी बार जाते हैं तो उसी स्कूल का टीचर बोलता है कि हमारे स्कूल में बहुत परिवर्तन आ गए हैं, आप लोग सभी जगह जाके अवेयरनेस करो। और अभी हम बाहर के लिए सोच रहे हैं कि थोड़ा हमारे पास बजट और पैसे आ जाए तो हम बिहार, आसाम, झारखंड, वहाँ पर महिलाओं को पहले अवेयरनेस करेंगे, फिर यहाँ से उनको देंगे। अगर ज़्यादा उनके पास डिमांड होगी तो हम वहाँ पर यूनिट लगवा के उस महिलाओं को, हम बेरोजगार जो महिलाएं उनको रोजगार मिल जाएगा, यह भी हम करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मशीन हम देख पा रहे हैं, मेरे ख्याल से आप बनाती हैं यहाँ पे, है ना मैम, आप है ना। अच्छा, ये बताइए कि ये जो हम देख पा रहे हैं ये वो रुई है, छूना तो नहीं चाहिए इसे क्योंकि हाइजीन का मामला है, तो ये वो रुई है जिसे कि आप, अच्छा इसको फिर स्टेरलाइज करते हैं। अच्छा, तो ये हमने पैडमैन में पहली बार देखा था कि वो इस तरह की रुई के लिए भाग रहा था और इस तरह के कपड़े में, तो इसको कैसे बनाती हैं आप? इसकी ये बड़ी सीट आती है, फुट प्लब सीट आती है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, फिर इसको ग्राइंडर करते हैं। ये वही है जो वो विदेश से लेके आते हैं। हाँ। इसे धुनने के बाद फिर वो रुई बनती है, फिर इसमें फिल करते हैं, फिर 3 नेपकिन उधर बनाते हैं हम। अच्छा, तो ये इसमें फिल करने के बाद फिर क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, फिल करने के बाद में इसमें लगे 3 नेपकिन उसमें रखेंगे। अच्छा, आइए जरा देखें कि ये किस तरह से। अच्छा, ये जो मशीन है, इस मशीन का खर्च कितना होता है? अगर आम ये वीडियो देख रही कोई महिला या महिलाओं का समूह बनाना चाहे अपने गांव में, तो इस मशीन का कितना खर्च होता है? इसका 5-6 लाख का होता है, लेकिन हमने क्या किया कि अभी कंप्रेसर और ये 2 मशीन 3 लाख का मंगवाया। अच्छा। और ग्राइंडर और स्टेलाइजर 2 मशीन हमारा पुराना है। अच्छा। लेकिन पूरा खर्चे करके 5-6 लाख तक पूरा सेट लग सकता है। यानी कि अगर सरकार मदद करे तो न सिर्फ जो है वो महिला हाइजीन की बात तक वहाँ तक पहुँचेगी, बल्कि इस तरह की मशीनों से स्वरोजगार भी आगे बढ़ेगा। ये मेरे ख्याल से 3 पैड एक बार में तैयार होते हैं, एक साथ 3 तैयार हो रहे हैं, एक साथ में 3 नेपकिन बनेंगे। पहले बायोप्लास्टिक का शीट लगा दिया जो 90% बायोप्लास्टिक है। अच्छा। इसके बाद में नेट शीट और नॉन वोवन फैब्रिक 2 क्लॉथ एक साथ आएंगे। अच्छा। फिर ये इसमें हम सीलिंग करेंगे, और इसका टेम्परेचर भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता जब तक हमें वेट करना पड़ता है। अच्छा। लेकिन अभी बढ़ गए हैं तो ये आपको बना के बता देंगे। अच्छा, तो इस मशीन से 3 पैड एक बार में बनते हैं, और आप लोग दिन भर में कितने सैनिटरी पैड बनाते होंगे? 500-600 नेपकिन बना रहे हैं। लेकिन अभी क्या किया कि हमने 3 महिलाओं को चुना पीस रेट पे, 1 नेपकिन का 1 रुपया, जितना ये बनाएगी उतना इनको पैसे हो जाएगा, 500, 600, 700, उन पे इनको 3 महिलाओं को डिफरेंट हो जाएगा कि कितना पैसा हमारा पर डे हुआ। अच्छा, जैसे इस यहाँ पे 3 महिलाएं मान लीजिए काम करती हैं, अगर उसमें से एक महिला ने 500 नेपकिन बनाए तो उन्हें 500 रुपये मिलेंगे। जैसे 3 महिलाएं बना मिल के 600 बनाएगी तो 1 महिला का 200 रुपये हो जाएगा। अच्छा। और इनको 4 छुट्टी दे रहे हैं 1 महीने का। अच्छा। वो 4 छुट्टी के इनको पैसे मिल गए। अच्छा। यानी कि जितने भी पैड बनेंगे उसके 3 हिस्से होंगे। हाँ, उसकी जो मेहनताना है उसके 3 हिस्से होंगे, और वो 3 महिलाओं में बराबर बांटे जाएंगे। क्योंकि इन
कि हम कैपेसिटी देखना चाहते हैं कि ये कब कहाँ तक बना सकती है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो फिर हम कैसे करेंगे, इसलिए इन महिलाओं को चुना। मैं देख रहा हूँ पीछे ये सारे पैड बन के रखे हुए हैं, क्या जिस तरह से आप लोग जितना ज्यादा बनाते हैं उतना ज्यादा बिक्री भी उसकी होती है? हाँ, हम 55 गाँवों में 1000 से ज्यादा महिलाओं के पास पहुँचते हैं, और बाहर से भी जैसे मेडिकल शॉप है, अस्पताल है, उनको भी हम देते हैं, और बाहर से भी कोई बोलते हैं तो उनके पास भी हम भेजते हैं। अच्छा, ये सोलर मम्मा आती है यहाँ पर 6 महीने के लिए, तो वो ये यूज करेगी। अच्छा, जो अभी जो दूर देश से सोलर मामा का, इनका कहने का अर्थ यह है कि दूर देश से 5 महीने की सोलर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग पे यहाँ महिलाएं आती हैं, और वो यहाँ से सोलर इंजीनियरिंग सीख करके अपने देश वापस जाती हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी कटाई का काम होगा। हाँ, और वो जो सोलर मामा यहाँ सीखने के लिए आती है ना, जो 5 महीने सोलर का सीखती है, 1 महीने वो अदर ओपे सीखती है, जैसे सेनेटरी का है, कबाड़ से जुगाड़ का है, अलग उनको सीखना होता तो वो सीखती है। जैसे उनकी यहाँ पर कोई डायरेक्टर विजिट के लिए आते हैं तो वो बोलते हैं कि ये हमारी महिलाओं को सिखाओ और ये यूनिट हमारे देश में होना चाहिए। तो जो पेडमैन मूवी थी ना, वो मशीनें हमारे फिजी, जंजीबार और 2 सेट न्यू पापा न्यू गिनी में गए, वो महिलाएं वहाँ पर काम कर रही है। पहले उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया, फिर वहाँ पर उनके यूनिट लगाया। अच्छा अच्छा, ये मेरे ख्याल से कटने के बाद ये पूरी तरह से तैयार हो गई हैं, मतलब ये पैड तो तैयार हो गया है ना? हाँ, इसके स्टिकर लगाएंगे अभी। अच्छा, ये पैड पूरी तरह से तैयार हो गया। अच्छा, मान लीजिए ये जो पैड बना हुआ है, ये अब बनने के बाद फिर स्टेरलाइज भी किया जाएगा। अच्छा, ये स्टिकर आप अपना साथण का लगाती हैं? नहीं, साथन का नहीं, ये पीछे स्टिकर लगेगा इसका। अच्छा, फिर अच्छा, वो पैकिंग में आएगा साथन का। अच्छा अच्छा, अच्छा। जो चिपकाने वाला होता है ना, वो स्टिकर है ये। अच्छा अच्छा, महिलाएं इस तरह के जो पैड आप बना रही हैं, इससे महिलाएं, उनको लगता है कि ये काफी है उनके लिए, या जो पहले दिक्कतें होती थी वो अब नहीं हो रही है, ऐसा है? हाँ, वो जो पहले उनको ज्यादा दिक्कत होती थी महिलाओं को, वो नहीं है। लेकिन हम जबरदस्ती से महिलाओं को नहीं बोलते हैं कि आप पैड ही लीजिए, वो कपड़ा भी यूज कर सकती है। लेकिन कपड़े को अच्छा धो के, वो धूप में नहीं सुखाए के, तो उसको नहीं लेना है। वो छुपा के रखती है तो उसमें थोड़ा गिलापन रहता है, तो गिलापन से उनके इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे वो मेंसून कप भी ले सकती है, टेम्पोस भी ले सकती है, उनके जैसे सुविधा है वो ले सकती है। हम बनाते हैं तो उनको जबरदस्ती से नहीं थोपते हैं कि हमसे ही लीजिए, वो कुछ भी कहीं से भी खरीदें। सैनिटरी पैड की अवेयरनेस जरूर फैलाती हैं कि वो इस्तेमाल हो तो ज्यादा सुरक्षित हो। हाँ, इसलिए हम ज्यादातर महिलाओं को अवेयरनेस इसके लिए अच्छा सा करते हैं, क्योंकि ये महिलाओं को सख्त जरूरत है। महिलाएं छुपा के रखती है, कोई गंदा कपड़ा ले रही है बताती नहीं है। जैसे बहुत सारी जगहों में क्या होती है, लड़कियां सुबह जो शाम को कपड़ा लेती है वो सुबह नहीं धोती है, वो शाम को उनके परिवार का सोने का इंतजार करती है, सोने के बाद में वो धो के डाल सकती है, और कहीं भी वो डाल देती है तो उसमें कीड़े मकोड़े कुछ लग जाते हैं। तो उनको भी हम सा बताते हैं कि ये आपको शर्म खोलना है, आपके मम्मी पापा सबके सामने धोइए, क्योंकि महिलाएं सोचती है कि अभी मैं खून का पानी ढोलूंगी धो के कपड़े को तो हमारे परिवार में यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा कि ये कहाँ से आया। और बहुत सारी लड़कियों की इसके बारे में मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। वो भी हम लड़कियों को बताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि छुपा के रखने से बीमारी से आप कितनी लड़कियाँ बीमारी से ग्रसित हो गई है और उनकी मृत्यु भी हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए लड़कियों के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बताया कि किस तरह से आप यहाँ सैनिटरी पैड बनाती हैं, किस तरह से आप गाँव के सुदूर इलाकों में जाकर के अवेयरनेस फैलाती हैं। आप जैसे लोगों की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सुदूर इलाकों में महिलाएं जो है, माहवारी की जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं माहवारी से, उनको जिस तरह की दिक्कतें होती हैं वो बड़ी समस्या भी है, आंकड़े भी यही बताते हैं। आपने देखा कि किस तरह से राजस्थान के एक गांव में ये महिलाओं ने, 2-3 महिलाओं ने मिलकर के और बड़ी दिक्कत को न सिर्फ सॉल्व किया बल्कि एक आविष्कार के आसपास भी पहुंची। आप देख रहे हैं दिल ललन टॉप की खास सीरीज छुक छुक होता है। इस सीरीज में हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं सुमित और कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं रूहानी। शुक्रिया।